रात भर हुई बारिश के पानी ने दिल्ली को तो डुबाया ही। आज रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक पानी से कराह उठा, और वो भी तब जबकि जून का महीना चल रहा है। तो अभी तो सिस्टम की असली परीक्षा बाकी है, यह महज शुरुआत है। अभी पूरा सावन बाकी है जब कुदरत काल बनकर बरसेगा। मैदान से लेकर रेगिस्तान तक और रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक पानी के प्रचंड प्रहार ने कर दिया बुरा हाल। एक रात की बारिश में डूब गई देश की राजधानी दिल्ली। मॉनसून से पहले की बारिश में ध्वस्त हुआ दिल्ली एयरपोर्ट का हिस्सा। दिल्ली के अंडरपास पानी में डूबे। जाम से बेहाल हुए दिल्ली एनसीआर के लोग। कल रात को जब आप सो रहे थे तब दिल्ली में इतनी बारिश हुई कि सब कुछ मानो डूब गया। इधर दिल्ली डूबी तो उधर रेगिस्तान के राज्य राजस्थान के कई इलाकों में पानी ने तबाही मचा दी। पानी के जोर ने पहाड़ को भी लाचार कर दिया। पानी का प्रचंड प्रहार, सिस्टम फेल, पब्लिक लाचार। तो पानी का प्रचंड प्रहार आपने देखा, और सबसे पहले बात देश के दिल यानी दिल्ली की, और दिल्ली में भी उस दिल्ली की जो देश की सत्ता का सेंटर है, पावर कॉरिडोर है, जहां से देश की हुकूमत चलती है। लुटियंस दिल्ली में आज की सुबह भारी रही। कल रात इतना पानी बरसा कि लुटियंस जोन में रहने वाले नेता, मंत्री, संतरी को घर से निकलना उनका मुश्किल हो गया। सड़कों पर दोनों तरफ पानी का राज कायम हो गया। तस्वीरें ऐसी कि देखकर यकीन नहीं कर पाएंगे आप कि यह दिल्ली है। यह इलाका एनडीएमसी के अधीन है, जो केंद्र के अधीन है। दिल्ली में बरसा पानी, पानी पानी हो गई राजधानी। जो इलाका आपको तालाब जैसा नजर आ रहा है वो दिल्ली का ही नहीं, पूरे देश का सबसे वीवीआईपी इलाका है। यहाँ के निवासी केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सांसद तक। इलाके को लुटियन जोन कहा जाता है। ये है समाजवादी पार्टी के महासचिव और राज्यसभा के सीनियर सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव का घर। सांसद जी अपने सरकारी आवास से कंधों पर बैठकर कार तक जा रहे हैं। जहां देखो वहां पानी ही पानी। ये असल में एनडीएमसी तैयार नहीं रहता है। ये सारे यहाँ बहुत ही हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है, फिर मंत्री लोग हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंदर में एनडीएमसी है, सारे बड़े लोग हैं, लेकिन पानी भर जाता है, लोगों को निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक गाड़ी से वहां तक आए, लोग उठा के यहां तक लाए। तो ये करना चाहिए, जबकि मैं 4 बजे से एनडीएमसी के अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, कोई पंप लाके पानी निकालें, वरना घर में पानी तो घुस ही गया है। रामगोपाल यादव दिल्ली के मशहूर खान मार्केट के सामने वाले इलाके में रहते हैं। दिल्ली का ये पॉश इलाका पूरी तरह जलमग्न है। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद है समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव के सरकारी आवास पर, और देखिए यहाँ की क्या तस्वीरें हैं। सुबह से जब प्रोफेसर रामगोपाल यादव को संसद जाना था तो यहाँ पर और ज़्यादा पानी भरा हुआ था। हालांकि अभी भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये कम हुआ है तब ये हालत है। और यहाँ पर जो एक जो पंपिंग सेट लाया गया था वो भी बंद हो गया है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाहरी हिस्से में, बल्कि अंदर का भी जो घर का हिस्सा है वहाँ पर भी, और ये सिर्फ एक सांसद के घर का नहीं है, बल्कि तमाम नेता, तमाम ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी, तमाम लोगों के घरों में कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली है। पंप भी चलते चलते खराब हो गई है। पंप भी खराब हो गया, लाइट है नहीं है। लाइट नहीं, 3 बजे से लाइट भी गायब। प्रोफेसर साहब ऐसे ही अंदर बैठे हुए और क्या। वह तो आप लोग उनको गोद में उठा करके गाड़ी में बैठाया, पार्लियामेंट जा रहे थे तब उठा के बैठाया था गाड़ी में। रामगोपाल यादव के घर से बाहर की तस्वीरें आपने देख ली। आपको चलिए चंडीगढ़ के कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के घर लेकर चलते हैं। दिल्ली आवास से तिवारी जी ऐसे संसद के लिए निकले। तिवारी जी के एक हाथ में जूते हैं,
पानी से बचने के लिए सांसद जी को पैंट भी फोल्ड करनी पड़ी है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका नतीजा है, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अगर 140-141 मिलीमीटर बारिश बहुत कम समय में हो जाए तो एक लिमिट होती है कि वो कितना अब्सॉर्ब हो सकता है। पानी निकला सर घर से यार आपको उसी अभी 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 घर जाने तो फिर देखते हैं कि पानी निकला कि नहीं। अब कटक से आने वाले बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब का दर्द सुनिए। हाल ही में प्रोटेम स्पीकर के तौर पर सांसदों को शपथ दिलाने वाले महताब खुद जलभराव से जूझते हुए किसी तरीके से आज संसद भवन पहुंचे। मेरे चारों ओर लाइन तो रात को चल रही थी और आज भी एंकल डीप वाटर भी भरी हुई थी। अब आपके कैंपस में मेरे क्वार्टर के चारों ओर और जितने सारे क्वार्टर से वहाँ चार और पंप एक लगाया गया था वो खराब भी हो गया। महताब की ही तरह अकाली दल की एकमात्र सांसद हरसिमरत कौर बादल भी दिल्ली की स्थिति पर सवाल उठा रही। सरकारी निवास में इतना इतना पानी भरा हुआ है, घर के अंदर तक पूरे घर में पानी भर गया है। तो वहाँ जाके सारा फर्नीचर, सारे गलीचे, सारे रग्स, कुर्सियाँ सब उठा के ऊपर किया जा रहा है। अब जाके वहाँ पे मैं सफाई कराऊंगी क्योंकि वापस जाने में भी 2 घंटे और लगेंगे, तो पहले इधर सफाई करके जाए। तो यही हाल अब दिल्ली का, अभी तो पहली बारिश हुई है और पहली बारिश में ही यही हाल हो गया। अब पूरे दिल्ली में एक तरह से चौक होकर जाम चल रहा है और कहीं ना कहीं सरकार को ज़रूर जिम्मेवार है। जो मुख्यमंत्री जेल में बैठे हैं और कहते हैं कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, तो फिर यहाँ पे कौन सरकार कौन रन कर रहा है, इस करके जनता सफर कर रही है। आपको बता दें सांसदों के निवास NDMC क्षेत्र में आते हैं। बारिश के पहले NDMC ने भी तैयारियों के दावे बड़े किए। बारिश के बाद घरों में पानी भरने से NDMC के दावों की पोल खुल गई। अभी तो ये पहली बारिश है, पूरा मानसून आना बाकी है। उम्मीद है इस जलभराव के जिम्मेदारों पर एक्शन होगा और फिर ऐसी तस्वीरें नजर नहीं आएंगी। सोचिए जब देश के सबसे ताकतवर और VVIP इलाके का ये हाल है तो बाकी जगहों की तो हालत क्या ही होगी। और जब लुटियंस दिल्ली ही बेहाल रही तो बाकी दिल्ली का हाल क्या होगा, इसके बारे में सोचिए जरा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं और MCD में भी आम आदमी पार्टी ही सत्ता में है, लेकिन MCD का इलाका पानी से कराह रहा है। सुबह जगह जगह सड़कें पानी से लबालब रही, ट्रैफिक जाम से लोग बेहाल नजर आए। ये जो संदीप की गाड़ियां लोगों की डूब रही है भाई, देश का दिल दिल्ली, दुनिया की व्यस्ततम राजधानियों में से एक दिल्ली हिंदुस्तान की ये तस्वीर पेश कर रहा है। जहां देखो वहां पानी ही पानी। कामकाजी दिन पर पानी कैसे जिंदगी की रफ्तार रोक देता है, उसके लिए इन तस्वीरों को देखिए। दिल्ली की दुर्दशा की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, एक एक इलाके में आपको लेकर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये तस्वीर। ये है दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का सरकारी आवास। गेट के बाहर से अंदर का नजारा देखिए। मंत्री जी के घर के अंदर कार के टायर पानी में डूबे हुए हैं। बाहर की सड़क देखिए। कौन कहेगा कि ये रास्ता दिल्ली सरकार के मंत्रियों के घर जाता है। आतिशी के घर की बाहर की स्थिति संवाददाता मदीहा खान बता रही है। दिल्ली में एक ही बारिश में हालात कुछ ऐसे बन गए कि जगह जगह जलभराव और ट्रैफिक जैम की स्थिति सुबह से ही देखने के लिए मिल रही है। ये दिल्ली की मंत्री आतिशी का घर मथुरा रोड पर है और उनके घर के बाहर पानी इतना ज्यादा जमा है जो तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं। पानी बहुत ज्यादा है जिसको निकालने के लिए यहाँ पर पंप और जो पाइप्स हैं वो लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास कई बड़े नेताओं का भी घर है और कई बड़े अधिकारियों का भी इसी जगह घर है और यहाँ आसपास जितने भी लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से जो पानी है उसकी निकासी हो। लेकिन आप ये सोचिए कि हालात इतने बुरे हैं कि दिल्ली की मंत्री आतिशी के घर के बाहर पानी है, दूर तक जहां तक नजर जा रही है वहां पानी ही पानी जमा है। ये तो हुई जल मंत्री आतिशी के घर के बाहर की जलमग्न तस्वीर। अब देखिए आम आदमी के इलाके में कैसा हाल है। पहाड़गंज में गंदा पानी घरों में घुस गया है, बाहर गाड़ियां डूबी हुई हैं।
दिल्ली के रोहिणी इलाके में मेट्रो स्टेशन के नीचे सड़क पर कार ही धंस गई। दिल्ली के जिस भी इलाके को देखेंगे वहां ऐसा ही हाल दिखेगा। हर तरफ पानी पानी और सिर्फ पानी ही नजर आएगा। जरा सी बारिश में दिल्ली कैसे हो जाती है पानी पानी, उसी की तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको इस वक्त मेन आईटीओ चौक से। ये वो रास्ता है जो कि लक्ष्मी नगर से आईटीओ होता हुआ मिंटो ब्रिज और कनॉट प्लेस की तरफ जाता है। और ये देखिए, ये वो रास्ता है जो अगर आप जो है पुरानी जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आते हैं लक्ष्मी नगर की तरफ, पुराना पुलिस हेडक्वार्टर उसके ठीक सामने का, किस तरीके से इस वक्त यहाँ पर सड़क डूबी हुई है, तालाब बनी हुई है, लोगों की गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, वो पैदल ऐसे घसीटने को मजबूर हो रहे हैं और उसके चलते घंटों का ट्रैफिक जाम हो रहा है। और आईटीओ की ये तस्वीर कोई नई नहीं है, जब भी थोड़ी सी बारिश होती है इस तरीके का जलभराव हो जाता है। बीजेपी पार्षद रविंदर नेगी ने NH9 पर नाव चलाई, दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए। मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जलभराव की समस्या आ चुकी है। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए, अब सुबह सुबह सब ऑफिस को जा रहे हैं पर जल भराव इतना है, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की बस खराब हो रही है, सामने बस खराब है और इतना बुरा हाल है इनके इनके मंत्रियों के कान में जू नहीं रह गई। दिल्ली की बारिश से ट्रैफिक का जो हाल होता है वो भी डराने वाला होता है। सोचिए, शुक्रवार की सुबह किसी को दफ्तर जाना होगा, किसी को कोर्ट, किसी को अस्पताल, किसी की फ्लाइट होगी तो किसी की ट्रेन या बस। लेकिन दिल्ली में बारिश हो जाए तो समझ लीजिए आपकी मुश्किलें कई गुना बढ़ गई और इससे बचने का आपके पास कोई उपाय नहीं। दिल्ली में प्री मॉनसून में ही कुछ स्थिति ऐसी बन गई है कि जगह जगह जल भराव। एक पहली बारिश होती है और उसके बाद दिल्ली में हाल कुछ ऐसा हो जाता है कि इस वक्त दिल्ली की हर सड़क पर ट्रैफिक जैम की स्थिति बनी हुई है। जहां हम खड़े हैं ये है प्रगति मैदान का इलाका और जरा मेरे पीछे तस्वीरें देखिए आप, कितना लंबा ट्रैफिक जैम है। लगातार ये घंटे भर से या उससे ज्यादा से ही ट्रैफिक कुछ इसी तरह से यहाँ पर है। और उसके अलावा अगर दूसरी तरफ से आप देखें तो दूसरी तरफ भी गाड़ियां कुछ ऐसी ही स्लो मूवमेंट में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राहगीर हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाकई ये तमाम तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं। पानी की वजह से दिल्ली के ज्यादातर अंडरपास भी डूब गए, जगह जगह गाड़ियां फंस गईं, रेंग रही थी, पानी इतना भर गया कि गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो चला। और यह हाल तब है जब हर साल मानसून में सिस्टम अलर्ट कर देता है, बावजूद इसके ना तो सरकार जागी ना प्रशासन जागा और हाल यह हो गया कि दिल्ली पर कुदरत ने ब्रेक लगा दिया। तो अंडरपास की यह डरावनी कहानियां देखिए। तस्वीर नंबर एक, ये दिल्ली का आजाद मार्केट, वहीं की तस्वीर। अंडरपास में पानी भरा हुआ है और उस पानी के बीचों बीच जाकर फंसी है बस। बस में बैठे यात्रियों को रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि जब यात्री फंसे होंगे तो उन पर क्या बीत रही होगी। 17 लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया, इसमें महिलाएं और बच्चे भी थे। ये आजाद मार्केट फ्लाईओवर के नीचे जो बस की जो कॉल थी ये हमें 6:24:25 पे मिली थी। यहाँ आकर के सिचुएशन देखी तो उसमें कोई 15 से 17 आदमी फंसे हुए थे। मैं और दिल्ली फायर सर्विस के जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे थे और हमने क्या रस्सा बांध करके एक एक आदमियों को निकालना शुरू किया। हमने करीबन 17 आदमी यहाँ से निकाले हैं, जिसमें एक बच्चा, 2 लेडीज और 14 जेंट्स थे। सोचिए, ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर और पहली बारिश में ये हाल हुआ। सबसे व्यस्त इलाकों में से एक इलाके का अंडरपास में आने जाने वाले दोनों रास्तों पर बस बंद पड़ी और रास्ता ठप है। तस्वीर नंबर दो, ये दिल्ली का मशहूर मिंटो ब्रिज है। एक तरफ कैनॉट प्लेस, दूसरी तरफ नई दिल्ली जंक्शन। एक तरीके से देखिए तो दिल्ली के दिल में ये ब्रिज है। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी ये ब्रिज पहली बारिश को बर्दाश्त नहीं कर पाया और पानी से लबालब भर गया।
ड्रेनेज सिस्टम का यहाँ पता नहीं। सुबह कुछ गाड़ियाँ इस पानी में फंसी जिन्हें क्रेन की मदद से निकाला गया। मौके पर दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी पहुंचे और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। ये MCD के अंडर में है, PWD का ये डिपार्टमेंट है और हमारे साथ सतीश उपाध्याय जी भी हैं। 4-4.5 घंटा बीतने के बाद भी पानी के, यहाँ देखिए कार आज भी डूबी है, पानी अभी भी लगा हुआ है और आम आदमी पार्टी की सरकार गायब है। इन नालों को न साफ करने के कारण कुछ देर तक NDMC एरिया में भी जल जमा हुए हैं। पिछले 1.5 महीने से हम अलग अलग नालों पर जा करके कह रहे हैं इसको साफ करो, डीसिल्टिंग करो। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जमीन पे ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। बाद में एहतियात के तौर पर प्रशासन ने इस अंडरपास से आवाजाही बंद कर दी। तस्वीर नंबर 3। अब ये तस्वीर ITO से आई। ITO का अंडरपास भी मानसून से पहले की बारिश को झेल नहीं पाया। नतीजा क्या हुआ आपके सामने। पानी भरा है, बावजूद इसके गाड़ियां चल रही हैं और जाम लगा हुआ है। तस्वीर नंबर 4। ये तस्वीर आई दिल्ली के मूलचंद इलाके से। दक्षिणी दिल्ली को जोड़ने वाला रिंग रोड का मशहूर मूलचंद अंडरपास पानी में डूबा है। कार, बस, ट्रक, छोटी से लेकर बड़ी गाड़ियां तक इस पानी में फंसी हुई नजर आ रही है। यकीनन भयावह हालात हैं, लोगों की जान भी जा सकती है। आइए मैं आपको लिए चलता हूं हमारे साथ दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। वसंत विहार से ब्रजेश तिवारी हैं और ओखला अंडरपास से रिया हमारे साथ मौजूद हैं। रिया, वहां पर क्या हालात है, क्या स्थिति आपको नजर आ रही है, जरा आसपास की दृश्य भी दिखाइए। देखिए इस वक्त हम ओखला अंडरपास पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है शायद प्रतीत यही हो रहा होगा कि ये कोई एक छोटी नदी है जिसको लोग पार करके आ रहे हैं, लेकिन नहीं, ये एक अंडरपास है जो कि एक रात की बारिश को भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और जल जमाव देखिए किस तरह से यहाँ पर हुआ है। और ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज इस जल जमाव से हो रहा है, देखिए दीवारों पर जो सीलन चढ़ती जा रही है वो तस्वीरों में साफ नजर आएगा और पानी लगातार भरा हुआ है जिसकी वजह से लोग इस रूट को तो अवॉइड कर रहे हैं लेकिन जिन रास्तों पर जा रहे हैं नतीजा ये है कि उन रास्तों पर जाम लग रहा है। और देखिए यहाँ पर एक दूसरी तस्वीर भी आपको नजर आएगी, कई सारे ट्रक्स हैं आपको खड़े नजर आएंगे जिन्होंने कोशिश की थी इसको पार करने की, लेकिन इस वक्त सारे जो ट्रक्स हैं वो खराब हो गए हैं क्योंकि इस जल को पार करने की यहाँ पर कोशिश की गई और ये जो ट्रक्स हैं ये यहाँ पर खराब हो गए। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं पानी भरा हुआ जो आपको नजर आएगा, ये तस्वीर, इससे दो चीजें साफ जाहिर होती हैं। देखिए सबसे पहला तो ये कि राजधानी दिल्ली की एक पैराडॉक्स है, एक विडंबना है जिसको ये तस्वीर बयां कर रही है कि अभी कुछ ही दिन पहले तक जल मंत्री इस बात को लेकर अनशन पर थी कि दिल्ली में पानी की कमी है और अब देखिए पानी आया है तो नेशनल कैपिटल में ये प्रिपेयरनेस नहीं है। रिया मैं आऊंगा आपके पास, आगे भी बात करेंगे, लेकिन वसंत विहार इलाके में क्या हाल है ये भी जान लेते हैं। ब्रजेश तिवारी वहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी। ब्रजेश, जो लोग वहां फंसे हुए थे उनको लेकर कुछ अपडेट है, कुछ जानकारी है कि अभी भी उसी तरीके से फंसे हुए हैं? अखिलेश देखिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मैं तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि ये बहुत गहरा गड्ढा है, तकरीबन 20 फीट से भी ज़्यादा का गहरा गड्ढा है और ये पूरी तरीके से पानी से भर चुका था। इस वक्त 3 तरीके निकाले गए हैं यहाँ पर रेस्क्यू के लिए। एक जो क्रेन लगाई गई है उससे जो भारी मलबा है उसको निकाला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो नीम का पेड़ आप दूसरी तरफ देख रहे हैं वहाँ भी सीढ़ी के माध्यम से NDRF के कर्मचारी लगे हुए हैं ताकि 3 लोगों की जिसकी बात कही जा रही है उनको तलाशा जा सके। हालांकि एक महिला सुबह जब यहां पर मौजूद थी उसको यहां से निकाल लिया गया था, लेकिन उसी के परिवार के 3 और लोग हैं जो इसमें फंसे होने की उनकी आशंका जताई जा रही है। सुबह से जद्दोजहद चल रही है अखिलेश, और अब मैं बताऊं सुबह 6 बजे की कॉल थी, इस वक्त 6 बजे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ऐसे में बहुत मुश्किल हो रही है, अंधेरा भी यहाँ पे होने वाला है, कोशिश की जा रही है कि बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जो बात हैरान करती है वो जो सिस्टम की लापरवाही है, ये देश की राजधानी में है, ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं, कोई ग्रामीण इलाका नहीं है, बल्कि ये देश की राजधानी है और यहां पर ये स्थिति है, सूरत हाल है। भारी बारिश की वजह से कल रात दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल की छत गिर गई और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त नीचे दर्जनों गाड़ियां थी, गाड़ियों में लोग बैठे थे,
हादसे ने एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों को ही नहीं, इस खबर के बारे में जिसने भी सुना वो हिल गया। एयरपोर्ट जैसी जगह जहां पैसों की नदी बहती है, वहां आखिर रखरखाव किस तरह का था? पहली बारिश में ही पूरी की पूरी छत गिर गई। एयरपोर्ट कांड पर राजनीति भी हो रही है और पक्ष विपक्ष आमने सामने है। दिल्ली एयरपोर्ट से आई इस तस्वीर ने पूरे देश में खलबली मचा दी। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिर गई। देश की राजधानी के एयरपोर्ट से विचलित करने वाली तस्वीरें आई। मलबे की इन तस्वीरों को देखिए, तस्वीरें डराने वाली हैं। एयरपोर्ट पर यात्री थे, हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल बनने लगा। एबीपी न्यूज संवाददाता मेघा उपाध्याय ने एयरपोर्ट पर क्या देखा ये जानिए। टर्मिनल 1 की जो छत डिपार्चर एरिया में आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, वहां पर जो पिलर्स हैं वो बिल्कुल मुड़े हुए हैं और ठीक नीचे वो गाड़ी आपको तस्वीरों में नजर आएगी जिसका इस्तेमाल मलबा ढोने के लिए, तमाम जरूरत की चीजों के लिए किया जाता है। आप ऊपर तस्वीर देखेंगे, आपको NDRF की टीम, साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, दिल्ली पुलिस के जवान, सभी तस्वीरों में नजर आएंगे। उन तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है, किसी को भी ऊपर आने जाने की परमिशन नहीं है। केवल रेस्क्यू ऑपरेशन में जो ऑफिसर्स लगे हैं वो केवल ऊपर जा सकते हैं। बिल्कुल आपके सामने में हुआ है हादसा जी, क्या हुआ था एग्जैक्टली बताइए, समय क्या था और आपने क्या देखा? 5:30 बजे का समय था, बारिश हो रही थी, बिजली कड़की बहुत तेज, ऐसा लगा जैसे बादल फट गया हो। देखा तो डिपार्चर की छत नीचे गिर गई थी, जिसके लगभग 8 से 10 गाड़ियां नीचे दबी हैं, जिसमें ऑन द स्पॉट एक ड्राइवर की मौत भी हो चुकी। इधर हादसा हुआ उधर सियासत शुरू हो गई, विपक्षी सांसद केंद्र सरकार को घेरने लगे। टर्मिनल 1 का हादसा अत्यंत शर्मनाक जनक है कि भारत के प्रधानमंत्री जिस टर्मिनल 1 के हिस्से का 10 मार्च को उद्घाटन करते हैं, आज 2-3 महीने के अंदर वो धराशायी हो गया, कई लोग घायल हो गए। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसलिए मैं कहता हूं, जहां भाजपा वहां भ्रष्टाचार। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये सब कंस्ट्रक्शन नए बने हैं और जिस तरह से जो दिखने को मिल रहा है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, इस पर जांच बिठानी चाहिए। आप लोग नीट के सवाल को आज संसद में उठाएंगे, नीट को लेकर के सब सवाल उठाए जाएंगे, जनता से जुड़े हुए सारे मुद्दे संसद में उठाए जाएंगे। विपक्ष के इन गंभीर आरोपों पर केंद्र की तरफ से जोरदार पलटवार किया गया। देश के नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने विपक्ष के आरोपों को नकारा और हादसे की जांच के आदेश दिए। दिल्ली में जो दिल्ली एयरपोर्ट में जो संघटना घटी उसके हिसाब से वहाँ पे जांच शुरू कर दी गई है और डिपार्टमेंट से भी हम एक्सपर्ट्स को लाकर जांच पूरी तरह करवाएंगे और जो कार्रवाई रिपोर्ट जो बनेगी उसके हिसाब से एक्शन भी लेंगे। तो हम पूरे देश भर में जो भी एयरपोर्ट्स हैं उस सबका एक बार फिर से ये बिल्डिंग की इंस्पेक्शन वो सब करवाएंगे। PM साहब ने जिन वो उद्घाटन जो किया था वो दूसरा बिल्डिंग है, वो अभी बिल्कुल ठीक है। इतने रिस्पॉन्सिबल स्टेज पे आप हो तो इस तरह के फेक न्यूज़ को फैलाया ना जाए, यही अच्छा है। BJP कह रही है टर्मिनल 1 का जो हिस्सा गिरा उसका उद्घाटन 2009 में UPA शासन में हुआ था, लेकिन हादसे की जिम्मेदारी से इस मुद्दे पर कोई बच नहीं सकता। इस वक्त NDA के सांसद प्रफुल पटेल UPA शासन में देश के नागरिक उड्डयन मंत्री हुआ करते थे। अब प्रफुल पटेल का जवाब सुनिए। कोई भी इमारत 15 साल के बाद अगर कोई क्षति होती है, कोई उसमें दुर्घटना होती है, तो उसके बारे में मैंने जवाब देना उचित नहीं है। उस टाइम पे मुझे मालूम है कि सबसे अच्छी कंपनी लार्सन एंड टूब्रो, उन्होंने इस इमारत का पूरा कंस्ट्रक्शन किया था। फिर भी 15 साल के बाद, अब हो सकता है कोई मेंटेनेंस की बात हुई हो, कोई और कोई कारण हो, मगर इसमें अच्छे से अच्छे तरीके से जल्द जांच होनी चाहिए। घटना पे राजनीति होनी नहीं चाहिए। वैसे तो इस हादसे पर सियासत नहीं होनी चाहिए और वो तो भला हो कि उस वक्त लोगों की संख्या कम थी। एयरपोर्ट से जुड़े लोग बता रहे हैं कुछ देर बाद अगर हादसा होता तो जानमाल का और बड़ा नुकसान हो सकता था। हादसे की गंभीर जांच जरूरी और दोषी बचने नहीं चाहिए। तो बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर, खबर यह है कि JDU को कल नया कार्यकारी अध्यक्ष मिल सकता है। संजय झा का नाम इस रेस में सबसे आगे है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब नीतीश कुमार पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली में कल JDU राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है और उस बैठक के लिए नीतीश कुमार पटना से दिल्ली पहुंचे हैं।
छह महीने बाद दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। लोकसभा चुनाव के बाद हो रही इस बैठक में चुनाव के नतीजों की समीक्षा होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में पार्टी में संगठन बदलाव पर भी चर्चा हो सकती है और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने करीबी राज्यसभा सांसद संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी का बना सकते हैं। संजय झा अभी राज्यसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता हैं। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में संजय झा के शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन जातीय समीकरण की वजह से जगह नहीं बन पाई। संजय झा बिहार में मंत्री रह चुके हैं। बिहार की राजनीति से निकालकर अभी कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय राजनीति में इन्हें सक्रिय किया है। असल में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उम्र की वजह से बहुत ज्यादा संगठन को लेकर सक्रिय रहने की स्थिति में नहीं है। अगले साल बिहार में चुनाव भी होने हैं। ऐसे में पार्टी को मजबूत करने के लिए किसी को आगे करना जरूरी है। यही वजह है कि संजय झा का नाम आगे चल रहा है। इसी साल जनवरी महीने में जेडीयू और आरजेडी का रिश्ता टूटा, फिर बीजेपी और नीतीश कुमार साथ आए। माना जाता है कि जेडीयू और बीजेपी को दोबारा साथ लाने में संजय झा की भूमिका अहम रही। संजय झा को बीजेपी और जेडीयू के बीच संबंधों की कड़ी माना जाता है। आइए इसकी इनसाइड स्टोरी समझते हैं। सीधे मैं आपको निधि के पास लिए चलता हूँ। मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। निधि, संजय झा का नाम इस रेस में सबसे आगे, क्या समीकरण इसके पीछे? देखिए अखिलेश, संजय झा का नाम लगभग तय है, कल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। और पिछले कुछ सालों में अगर हम जेडीयू की राजनीति देखेंगे तो बहुत उठापटक हुआ। अगर हम सबसे पहले आरसीपी सिंह से जोड़कर देखें तो बहुत पीछे नहीं जाते हैं। पिछले साल ही दिसंबर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और जनवरी में तस्वीर बदल गई, आरजेडी से रिश्ता टूट गया। और उसके बाद दोबारा बीजेपी के साथ लाने में एकमात्र कोई कड़ी समझी जाती है, जो कि हमने दर्शकों को बताया, उसमें संजय झा का ही नाम आता है। और यही वजह है कि बिहार में लंबे समय तक जल संसाधन मंत्री रहने के बाद अब संजय झा राष्ट्रीय राजनीति में पहली बार राज्यसभा सांसद बने हैं। और इसके पीछे दो कारण है। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आगे भी बीजेपी और जेडीयू के बीच जो एक कड़ी है वो आगे भी जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे, और जो दोनों के बीच बातचीत या तालमेल कह लीजिए उसके लिए संजय झा सबसे सटीक माने जाते हैं, केंद्रीय राजनीति में भी आ चुके हैं। दूसरा कारण यह है कि ललन सिंह को जब मंत्री बनाया गया अगड़ी जाति से थे, तो उनका नाम और उसके साथ साथ संजय झा का भी नाम आ रहा था। और ऐसे में दो करीबी नीतीश कुमार के, ललन सिंह मंत्री बन गए, और तो कहीं ना कहीं कॉम्पनसेशन के तौर पर भी इसको देख सकते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नीतीश कुमार के संजय झा बनाए जाएंगे। कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक है, ये मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ जेडीयू के केंद्रीय कार्यालय की। हालांकि यहां पर जो नेताओं ने मुलाकात की उसके बाद धीरे धीरे करके वो निकल गए हैं। इस वक्त थोड़ी देर में नीतीश कुमार के घर पर सभी नेता पहुंच रहे हैं। कल सबसे अहम बैठक है। और एक और बात मैं बता दूं कि कल जो बैठक है उसमें बिहार को पैकेज क्या मिलेगा केंद्र से, इस पर भी चर्चा होगी, और ये कल की चर्चाओं में सबसे अहम चर्चा मानी जा रही है। बात करेंगे राजस्थान की। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी को इस बार नुकसान हुआ। यहां तक कि भरतपुर, जो कि सीएम का गृह जिला है, वहां भी पार्टी हार गई। अब वहां के बीजेपी विधायक सरकार के कामकाज और सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तस्वीरें राजस्थान के भरतपुर की हैं। यहां जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश रावत गुरुवार को मीटिंग के लिए पहुंचे थे। इसी बैठक में जिले की बैर सीट के बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोहली ने बैठक में ही सरकार को घेर दिया। विधायक ने आरोप लगाया के मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में लोगों को समय पर पैसा नहीं मिल रहा। एक विधायक ने मामला उठाया तो मीटिंग में ही बयाना की विधायक रितु बनावत ने भी योजना को लेकर सवाल उठा दिए। दर्शकों को बता दें कि भरतपुर सूबे के सीएम भजन लाल शर्मा का गृह जिला है और मंत्री सुरेश रावत यहां सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। चुनाव नतीजों के बाद पहला मौका है जब बीजेपी के विधायकों ने सिस्टम पर ही सवाल उठा दिए हैं। भरतपुर में भी बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में हार गई है। अभी उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर है, नियुक्तियों को लेकर एनडीए में घमासान की स्थिति नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर कहा कि प्रदेश सरकार की
साक्षात्कार वाली नियुक्तियों में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को यह कहकर छांट दिया जा रहा है कि वो योग्य नहीं है, तो बहुत ही ये गंभीर आरोप एक तरीके से। सीधे मैं आपको ले चलता हूं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। अभिषेक, पूरा मामला क्या है, क्या पता चल पा रहा है? और देखिए, ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी थोड़ा पहले चली आ रही। इसके पहले जो शिक्षक भर्ती वाला मामला हुआ था, तब भी आशीष पटेल ने, अनुप्रिया पटेल के जो पति हैं और जो जो योगी सरकार के मंत्री भी हैं, उन्होंने तब भी ये बात कही थी कि आरक्षण के मुद्दे पर सरकार ध्यान दे, लेकिन तब उनका टोन माइल्ड था। इस बार इस चिट्ठी का जो टोन है वो ये बताता है कि सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ सरकार को निशाने पर लिया अनुप्रिया पटेल ने, और उस टाइम पर निशाने पर लिया है जब यूपी में हार की समीक्षा चल रही है, और ऐसे में योगी सरकार को लेकर के कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, संगठन से कई तरह की आवाजें आ रही हैं। ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टाइमिंग बताती है कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी सीधा योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साध रही, पॉलिटिकली अगर कहें, और एक तरह से जिसे ये भी कहते हैं कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, अपनी ताकत दिखाना, या फिर ये बताना कि सरकार गलत कर रही है और हम उसको चेतावनी एक तरह से दे रहे हैं। ये पूरी तरह से चिट्ठी है, इसका पॉलिटिकल संदेश है, एनडीए के लिए भी ये खतरे की घंटी है अगर इस तरीके का विरोध बिल्कुल सामने आ रहा है खुलकर। बहुत बहुत शुक्रिया। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को आज जमानत मिल गई, वो जेल से बाहर आ गए। आपको बता दें कि इसी साल के अंत में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में हेमंत की रिहाई ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को राहत दे दी है। रांची चलते हैं, हमारे साथ शशांक भी मौजूद हैं। शशांक, तो हेमंत सोरेन आज बाहर आए, उसके बाद क्या मीडिया वालों से बातचीत भी उन्होंने की, कुछ रणनीति सामने आ रही है पार्टी की? देखिए, 5 महीने के बाद वो जेल से बाहर आए हैं। 8.46 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने का आरोप उन पर था, तो जब आज बाहर आए हैं तो सबसे पहले वो अपने पिता सिब्बू सोरेन और माँ से मिलने गए मोहराबादी में, जो उनका आवास है वहाँ पर उनका आशीर्वाद लिए, और उसके बाद मीडिया से उन्होंने कहा कि मुझे एक झूठे मामले में जानबूझकर फंसाया गया, केंद्र सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है, तो ये तमाम बातें वो कह रहे थे, लेकिन कुछ ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो ये कहा कि हम अब आगे चल के पब्लिक के बीच में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, तो ये पत्रकारों से कह रहे थे कि आप लोग कोर्ट का जजमेंट देखिए। सो कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है,